बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैम ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम बाउंड्रीज़ के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने तीन किस्म की बाउंड्रीज़ को स्टडी किया था, ब्लॉक, रेस्ट और सिलेक्टेड सरफेस। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम शैलो, स्लहोर और क्लेयन सेफ बाउंड्री, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडल को इम्पोर्ट करते हैं एग्जाम्पल में से, कॉलिंग डॉट डी जी के को इम्पोर्ट करें। यहाँ पर आप आईएसओ 2 जो है इसको सेलेक्ट करें, इसके बाद आप ब्लॉक कैलकुलेट करवाएं और इसको एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद आप क्रिएट ए बाउंड्री, यहाँ से हम शैलो इसको सेलेक्ट करेंगे। शैलो सेलेक्ट करने के बाद आप अपर एंगल 30 रहने देंगे, लोअर एंगल 0, टॉलरेंस आप 0.03 कर दें, थिकनेस 0 रहने दें, एक्सियल थिकनेस को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम बालनोज सेलेक्ट करते हैं 8 mm का, BN8। टूल नंबर मेरे पास ये एक है, नंबर ऑफ फ्रूट्स इसके 2 हैं। इसको क्लोज करें और इसको अप्लाई करें, एक्सेप्ट करें। अब आप देखें हमारे इस मॉडल के अंदर जितना भी शैलो एरिया था, उस शैलो एरिया के ऊपर ऑटोमेटिकली एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर जितना भी शैलो एरिया था उसके ऊपर ये हमारी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। शैलो एरिया ऐसा एरिया होता है जो कि 30 डिग्री से कम होता है। हम इसके एंगल को चेंज भी कर सकते हैं, इस बाउंड्री के ऊपर जाएं और यहाँ से सेटिंग में जाएं, और सेटिंग में जाने के बाद इसके एंगल को अगर आप 45 कर देते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, तो अब आप देखें इसका जो हमारा बाउंड्री की रेंज थी वो इंक्रीज़ हो गई है एंगल को चेंज करने से। इसी तरह अगर हम इसको 30 डिग्री से कम कर देते हैं, 25 करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बाउंड्री की रेंज थी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो गई। इस तरह हम एंगल को कंट्रोल करके अपनी बाउंड्री को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बहरहाल शैलो एरिया की जो डिफ़ॉल्ट एंगल होता है वो 30 डिग्री ही होता है। तो शैलो एरिया के ऊपर जो बाउंड्री बनाई जाती है उसको शैलो बाउंड्री कहते हैं। इसको एक्सेप्ट करें। अब अगर आप इसके ऊपर कोई टूल पाथ क्रिएट करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा शैलो एरिया के ऊपर ही चलेगा। तो 3D ऑफसेट फिनिशिंग मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैं कटर जो है वो बालनोज 8 ही सेलेक्ट करता हूँ, 0.03 थिकनेस, स्टेप ओवर मैं इसका 1 रख देता हूँ, कीप इन साइड और कन्वेंशनल इसको अप्लाई करें। तो इसमें देखें ऐसा करने से हमारा जो टूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ शैलो एरिया के अंदर चला है। तो इसकी मदद से हम इजीली शैलो एरिया को सेलेक्ट करके वहाँ पे मशीनिंग करवा सकते हैं। दूसरा जो हमारी बाउंड्री है वो सिलहोट है। ये बाउंड्री हमारा जितना मॉडल होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो आउटर बाउंड्री बनती है उसके अराउंड ये बाउंड्री इंक्रीज़ हो जाती है। इसके ऑटोमेटिकली ये बाउंड्री वहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बालनोज 8 के साथ ये बाउंड्री बनाना चाहता हूँ। ऑन मॉडल इसको रहने देंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो ये देखें इसमें हमारे पास जो मॉडल की आउटर बाउंड्री थी उसके अराउंड ये बाउंड्री बन चुकी है। तो इस बाउंड्री का मकसद भी सिर्फ यही है कि ये आउटर बाउंड्री के जो इर्द गिर्द है ये हमारी बाउंड्री बना देता है। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो मॉडल है उसको लिमिट करने के लिए। इसको एक्सेप्ट करें। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बाउंड्री है वो क्लियन सेफ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले हम एक टूल क्रिएट करते हैं और इसकी मैं लेंथ नॉर्मली इसमें रख देता हूँ 10। इस टूल की लेंथ 10 रख देता हूँ। उसके बाद मैं शैंक में जाता हूँ, इसको ऐड करता हूँ और शैंक पी इसका मैं 8 का ही रखता हूँ और इसकी जो मैं लंबाई है उसको 5 कर देता हूँ। इसके बाद हम होल्डर में जाएंगे, होल्डर के अंदर मैं 40 का जो होल्डर है उसको ऐड करता हूँ और उसकी लेंथ मैं 50 कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद हम इस टूल को शेडेड कर देते हैं,
ये ओवर हैंग इसका इसका इशू है, इसको मैं सेटिंग में जाके इसको ठीक कर सकता हूँ। तो इस तरह आप जो आपका होल्डर है उसको आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हमने एक छोटा सा टूल क्रिएट किया है विद होल्डर, तो हम एक ऐसी बाउंड्री बना सकते हैं कि जिसके अंदर सेफ साइडेड रहते हुए हमारा जो टूल है वो मशीनिंग करे और हमारा जो होल्डर है वो वर्कपीस के किसी भी हिस्से के साथ टच ना हो। उसके लिए हम कोलिजन सेफ बाउंड्री इस्तेमाल करते हैं। तो कोलिजन सेफ बाउंड्री मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने जो कटर नंबर एक बनाया था उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे होल्डर क्लियरेंस 0, शैंक क्लियरेंस 0, टॉलरेंस जो है वो 0.03 रहने दें, थिकनेस 0 करें और इसको अप्लाई करें। तो ये देखें जहाँ जहाँ तक हमारा कटर इजीली बगैर कुलयन जा सकता था वहाँ वहाँ पे इसने बाउंड्री क्रिएट कर दी है, उससे बाहर ये हमारा कटर नहीं गया। तो इस तरह आप कुलयन सेफ बाउंड्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम हमारा जो कटर है उससे कुलयन नहीं हो सकती। तो इसमें अगर आप कोई टूल पाथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इजीली टूल पाथ इसमें बना सकते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट जी है और इसमें स्टेप डाउन में 1 का रख रहा हूँ, इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया पर हमारी टूल पाथ की लाइंस क्रिएट हुई हैं जहाँ पर हमारा टूल बगैर वर्कपीस के साथ या हमारे मॉडल के साथ बगैर कोलिजन किए जा सकता था, वहाँ तक ये चल जो उसने टूल पाथ हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह हम कोलिजन सेफ बाउंड्री की मदद से कोलिजन से भी बच सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर जो बाकी रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।